मुंबई का फैशन, कश्मीर का मौसम और इंडिया का पॉलिटिशियन कब बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करी तुम्हारा सकले भालो आछो। आमरा आछि बिंदास आर तुम्हारा देखछो दा बंग ब्लॉग। आर आमी चले आसछि काश्मीरेर डाल लेके आर सेई भिडियो आपनादेर देखाबो। तो आपनारा भिडियोटी देखते थाकुन आर केमन लागलो अवश्य कमेंट करे जानाबेन। समुद्र पृष्ठ थेके प्राय 5000 फुट उच्चतायर झिलाम नदीर तीरे जम्मू ओ काश्मीरेर राजधानी श्रीनगर सत्यि भूस्वर्गेर रानी। आर एखानकार सौंदर्य आरो कयेक गुण बाड़िये दियेछे एई डाल लेक। 18 वर्ग किलोमीटर विस्तीर्ण এই ডাল লেককে শ্রীনগরের রত্ন বলা হয়ে থাকে। জুলাই আগস্ট মাসে এই ডাল লেকে প্রচুর পদ্মফুল ফুটে থাকে, সেই কারণে এই হ্রদকে ফুলের হ্রদ বলা হয়ে থাকে। পাল তুলে দে 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 পাল তুলে দে হেলা করিস নৌকা আমি যাব মদিনায় ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনায়। ডাল লেকের প্রধান আকর্ষণগুলি হলো শিকারা, সুন্দর কারুকার্য করা হাউসবোট, এর পাশাপাশি ভাসমান ফুল ও সবজির দোকান। সৌন্দর্যে ভরপুর শ্রীনগরের ডাল লেক কাশ্মীর উপত্যকার অন্যতম দর্শনীয় পর্যটন স্থান। ফরবরি কা মহিনা ইয়াহা আতা না, ইয়াহা পর কম সে কম 30,000 সে লেকে 35,000 মহিলা লোক কাম করতে হ্যায় হ্যান্ডিক্রাফট কা, जिसमें वो शाल साड़ियाँ बनाते हैं। आप लोगों को यहाँ पर लेडीज क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के लोग भी आते हैं जो नशा करके आते हैं, जिसे ड्रिंक करके आते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनके सिक्योर के लिए ये घर बनाए हुए हैं जहाँ पर कुछ दो पैसा कमाएं फैमिली के लिए विंटर में, क्योंकि कश्मीर जो मेन मैंने को पहले भी कहा था 75% इनकम सोर्स है टूरिज्म पे, 30% यहाँ अपना है, ठीक है ना। तो उस समय वो अपना घर का खर्चा निकालते हैं। जो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट है वो और वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है ना। आज के दौर में क्या है, जो आप हैंडीक्राफ्ट देख रहे हो ना कोने कोने में सड़कों पे, वो कश्मीर का नहीं है मेरी जान, वो जो भी है ना वो लुधियाना का है, वो बिकता है कश्मीरी के नाम से। जो कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट जो है ना वो कश्मीर में ही है। अब जो जैसे कि जिनको पता होता भाई हैंडीक्राफ्ट किसे कहते हैं, कश्मीर कौन है, लुधियाना का कौन है, कलकत्ता से कोई बेहतर अच्छा कोई जानता नहीं है। ডাল লেকের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সারা বিশ্বের পর্যটকদের আকর্ষণ করে। ডাল লেক ফিল্ম শুটিংয়ের জন্য কাশ্মীরের সেরা স্থানগুলির মধ্যে একটি। আনুমানিক 500টির বেশি সুন্দর কারুকার্য করা হাউসবোটের জন্যই সুপরিচিত এই ডাল লেক। ডাল লেকের সুন্দর কারুকার্য করা নৌকাগুলোকে বলা হয়ে থাকে শিকারা। एक देखो बना के सर, आपको मजा आना चाहिए। रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, पाइन एप्पल, वाटरमेलन, केला, पूरा मिक्स रहेगा डिश में। ऊपर से यहाँ का मसाला नमक डाल के देगा, जब मजा आएगा तब देना पेमेंट। कितना बनाओ? बनाने में जो खर्चा आता है ना वो 6 से लेकर 7 करोड़ खर्चा आता है बनाने में। इधर रूम रेंट जो रहता है ना 4,500-5,500-8,500 एक रूम का खर्चा होता है। ये पहला पॉइंट हो गया, और सेकंड पॉइंट हो गया ये गुलफाम, जो देख लो ना बेस्ट रिसोर्ट देखते हो, ये प्राइवेट पार्क है, ठीक है ना, ये कोई गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट है रिसोर्ट है ये। अब दिल्ली की एक सिंगर आती है यहाँ पर, ऋचा शर्मा, जानते हो, हर एक साल अपना जन्मदिन यहाँ मनाती है, ठीक है ना।
ये दो पॉइंट हो गए। और वो ऊपर वो शंकराचार्य मंदिर है जिसका नाम है शंकर भगवान, जहाँ पर वो गाना हुआ था, जय जय जीव शंकर कांटा लगे कंकर। अच्छा, गाना सुना है वो? हाँ। मेरे नाम का पिया, किस किस ने गाना सुना है वो? सब ने सुना। उस गाने में फिर आपको क्या मतलब लगा इस गाने में? वो तो भक्ति की दिखाता है। भक्ति दी भाई, थोड़ी पास है शिकार है, नीचे बैठो। और यहाँ पर गहराई जो ना 20 फीट है, प्लीज मोबाइल कैमरा बचा के रखना, पानी में जाएगा मेमोरी कश्मीर में रह जाएगा। आदमी को हम आराम से निकाल सकते हैं, मगर इन चीज जो कैमरा मोबाइल पानी में जाएगा क्या कह रहे हैं? हम तो निकालेंगे, मगर कम वक्त पानी बहुत गर्म है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। और अपना तो আমরা এখন ডাল লেকের মধ্যে আছি, কিন্তু এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখলাম যে লেকের মধ্যে দোকান করে এখানেরা সমস্ত জিনিস বিক্রি করছে। এই সব জিনিসগুলোরা নিজেরাই হাতে তৈরি করে বিক্রি করে। আর এখানে যেসব শাল ফাল শুরু হয় সেটা 150 টাকা থেকে শুরু, আপনারা চাইলে এসে এখান থেকে কিনতে পারেন। আর একটা জিনিস আপনাদের বলে দিই, যেটা হচ্ছে আপনারা যখন শিকারা চাপবেন, যখন নৌকাটা রেট করবেন, এনারা রেট অনেক বেশি বলবেন, ঠিক আছে। আর তখন আপনারা একটুখানি বার্গেনিং করে নেবেন। আর আমরা তো যেটা করেছি সেটা পার হেড 400 টাকা হিসাবে করেছি, আপনারা তো রেট করে নিতেই পারেন। আর আমি যেও শিকারা যিনি আমাদের চালাচ্ছেন ওনার নাম্বার আমি দিয়ে দিলাম, চাইলে আপনারা ওনার সঙ্গেও কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। भाई हम शिकारे वाले हैं, हम यहाँ पर कस्टमर को टूरिस्ट को पहले शिकार राइडिंग करवाते हैं। तो इसमें मतलब क्या राइड्स के ऊपर डिपेंड है, जिसे आप राइड करना चाहते हो। 8 पॉइंट्स का फुल राइड है जिसमें गोल्डन लेक रहता है। गोल्डन लेक इसलिए कहा जाता है वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर दोनों साइड लग्जरी हाउस बोट्स हैं जिनका मार्केट वैल्यू 2-2 करोड़, 7-7 करोड़ के वैल्यू रखते हैं वो मार्केट्स। दूसरा आता है गुलफाम लेक, जहाँ वो सीरियल बना था गुलफाम टीवी सीरियल आया था। फिर पंडित जवाहर नेहरू जी का नेहरू गार्डन है जिसका नाम है नेहरू पार्क, पानी के बीचों बीच में बना है। फिर फ्लोटिंग मार्केट है जहाँ पर मतलब कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं और बेचते हैं भी है। यहाँ ये खुद कारीगर लोग हैं, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी आगे जाके आपको मिलेगा वेजिटेबल लैंड मिलेगा मीना बाज़ार मार्केट से। ये डल लेक का राइड है जो मतलब पूरे कश्मीर में फेमस है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 600-50-40-692, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, आपका पूरा डिटेल मिलेगा इस पर। थैंक यू। कश्मीर भ्रमण आरेकटी नतून वीडियो निये आपनादेर संगे खूब ताड़ाताड़ी देखा होच्छे। जरा एखोनो पर्यन्त आमादेर चैनलटी सबसक्राइब करेनी, प्लिज अनुरोध रइल चैनलटी सबसक्राइब करेनी, पाशे थाका नोटिफिकेशन बेलटी अन करेनी, যাতে আমরা ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়।